अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ डर्मोकास्ट की फेशियल के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से हम ये फेशियल करें तो इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, और इसकी जो ब्लीच है, ब्लीच में हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करें तो हमें उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो गाइज़, यही मैं बताने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने किस तरह से ये फेशियल करना है और हम इसकी ब्लीच में कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे तो उसका रिज़ल्ट हमें ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो माय डियर व्यूवर्स, सबसे पहले हम लेंगे क्लींज़र। क्लींज़र को लेंगे, इससे हम अच्छे से अपने जो भी कस्टमर है या फिर हम खुद पे अप्लाई कर रहे हैं, हम उसकी अच्छे से क्लींजिंग करेंगे। क्लींजिंग करने के बाद हमें चाहिए होगा स्क्रब। स्क्रब को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए स्क्रबिंग करेंगे अच्छे से। अपने कस्टमर की आपने करनी है, अपनी करनी है, ये आप की चॉइस है, ठीक है? तो क्लींजिंग के बाद हम करेंगे स्क्रब। स्क्रब के बाद हमने करना है जी मसाज। मसाज हम करेंगे, मसाज भी अच्छी तरह से करना है। 2 से 3 मिनट के लिए हम मसाज करेंगे। तो ये होगी जी हमारी तीनों प्रोडक्ट्स कंप्लीट। उसके बाद जी हमने क्या करना है, हमने बनानी है ब्लीच। ब्लीच के लिए हमें चाहिए होगा जी ब्लीच पाउडर। मैं आपको बना के भी बता देती हूँ, वैसे जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतना ही बनाइएगा। हमें चाहिए जी पाउडर, हमने लिया, ये हमने ले लिया जी पाउडर। जितनी क्वांटिटी है आपकी, एक फेस पे लगाना है, 2 फेस पे लगाना है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? नीचे गन पड़ रहा है। उसके बाद जी हमने ले लिया जी डेवलपर। डेवलपर हम डालेंगे जी इसमें, ये भी हम इसी क्वांटिटी में डालेंगे, ठीक हो गया? हमने किया इसको मिक्स। मिक्स करने के बाद लाइट्स हम इसे कर लेंगे मिक्स कर लिया हमने। अब हमने इसमें डालना है जी वाइटनिंग पाउडर हमने लिया, ये भी हम लेंगे जी थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है ये भी आपने, ठीक है? ये हमने ले लिया जी वाइटनिंग पाउडर के बाद अब हम इसमें डालेंगे वाइटनिंग कैप्सूल। हमें चाहिए, डर्मोकॉस के भी कैप्सूल मिलते हैं, अगर वो आपको मिल जाए तो वो भी बहुत बेस्ट है। और ये हमारे पास आ गया जी कैप्सूल। अब हमने डाला इसमें एक अदद कैप्सूल वाइटनिंग। उसके बाद हमने इसमें डालना है जी स्किन शाइनर, ये हमने डाल दिया जी 2 से 3 ड्रॉप्स हमने स्किन शाइनर के डाल दिए। फिर हमारे पास है जी स्मूथिंग टोनर, ये मेरे पास डर्मोकॉस का ही मौजूद है, और स्किन शाइनर सॉफ्ट टच वालों का था। ये बिल्कुल लाइट से ही आपने डालना है, ज़्यादा जल्दा होता है, बस ठीक हो गया। ये हमने डाल लिया। अब हमने करना है इसको अच्छे से मिक्सअप। तो ये होगी जी हमारी ब्लीच रेडी। जब आप अपने कस्टमर पे ये अप्लाई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अक्सर पार्लर में ये यूज़ होती है। ये ब्लीच लगाने के बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे अप्लाई करेंगे अपने कस्टमर पे या ख़ुद पे। लेकिन ये याद रखिएगा कि उसकी स्किन सेंसिटिव है अगर, तो फिर उसको कम टाइम देना है, ठीक है?
बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, फिर आप 10 मिनट्स कर सकते हैं इसको। उसके बाद जी ये करने के बाद हमने करना है जी मास्क लगाना है। इसके बाद इसको रिमूव करने के बाद फिर हम इसमें लगाएंगे जी, इसके स्किन पे हम लगाएंगे मास्क। ठीक हो गया, इसको भी हम 10 मिनट्स के लिए लगाएंगे। ओके हो गया, तो ये हो गया जी हमारा फेशियल। और लास्ट में हम ग्रे लोशन से उसकी उसका मसाज करके तो हम जो है अपना फेशियल कंप्लीट कर लेंगे। तो ये थी जी हमारे पास डर्मोकॉस के प्रोडक्ट्स, जिनका मैंने आपको फेशियल बताया है कि ये करने से इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो गाइस कैसी लगी मेरी आज की वीडियो आपको? अगर इससे आपको कोई भी बेनिफिट मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। तो माय डियर व्यूअर्स, मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह बेनिफिशियल अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं, आपको अच्छी अच्छी टिप्स बताती रहूं, तो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मेरा भी दिल करे आपके लिए दोबारा से अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का, और जो जितना मैं जानती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो गाइज अब मैं चाहती हूँ इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और मुझे भी रखिएगा दुआओं में बहुत ज़्यादा याद। और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला सब के कामों में बरकत दे, मेरे काम में भी बरकत दे। तो अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।